नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। SYL का मुद्दा भी सुलझा भी नहीं कि अब हरियाणा दिल्ली के साथ उलझ गया है और इसके पीछे कितनी सच्चाई है ये जल्द ही पता लग जाएगा। लेकिन जल को लेकर दोनों ही राज्यों में सियासत गर्मा गई है। दिल्ली सरकार जल की कमी के कारण हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है तो हरियाणा सरकार भी दिल्ली के कुप्रबंधन को लेकर सवाल उठा रही है। आलम यह है कि जल संकट तो है पर यह निपटेगा कैसे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जैसी बयानबाजियां सामने आ रही हैं उससे यह साफ है कि अब दो राज्यों के बीच जल विवाद शुरू हो गया है। तो देखिए, लगातार अब मसला जो है वो दिल्ली और हरियाणा के बीच गर्माता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि दिल्ली वर्सेस हरियाणा सरकार जल विवाद को लेकर के सामने आ रही है। तमाम तरह की बयानबाजियां इस दौरान सामने आ रही हैं। जल संकट या फिर जल विवाद, ये सबसे बड़ा सवाल है क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि हरियाणा की तरफ से पानी रोका गया है। अच्छा, हरियाणा सरकार कह रही है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे, दिल्ली में कुप्रबंधन इसकी वजह है। तो ऐसे में दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री जल विवाद को लेकर आपस में बयानबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हक का पानी हम लाएंगे। दिल्ली हमेशा से ही पानी की आपूर्ति के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहा है। दिल्ली ने कई दशक पहले पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां भी साइन की हैं और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी के जरिए, हरियाणा सरकार यमुना नदी से और पंजाब की सरकार बाखड़ा नागल से दिल्ली वालों को निर्धारित पानी देगी। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई संधियों पर औपचारिक तौर पर राज्यों की सरकारों ने हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन अब वक्त बदलने के साथ ही सवाल उठने भी शुरू हो गए हैं। पानी की किल्लत को लेकर अब दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली की पानी आपूर्ति को रोका है, इसके कारण नदी सूखने के कगार पर पहुंच गई है। जबकि पानी का स्तर जो वजीराबाद पौंड में 674.5 फीट होना चाहिए वो घट करके 667 फीट आ गया है। चलिए सुनवाते हैं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने जल को लेकर क्या कुछ सवाल उठाए हैं। लैंडलॉक शहर है दिल्ली, के पास अपनी कोई वाटर बॉडी या अपना समुंदर नहीं है आसपास। दिल्ली सदैव से पड़ोसी राज्यों पे पानी की सप्लाई के लिए निर्भर रहा है। दिल्ली ने पिछले कई दशकों में पड़ोसी राज्यों के साथ संधियां साइन करी हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए हैं जिसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार गंगा नदी के माध्यम से दिल्ली वालों को रोजाना इतना पानी देगी, हरियाणा की सरकार यमुना नदी के माध्यम से दिल्ली वालों को रोजाना इतना पानी देगी, पंजाब की सरकार भाखड़ा नंगल से दिल्ली वालों को रोजाना इतना पानी देगी। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए संधियां औपचारिक तौर पे दोनों सरकारों ने हस्ताक्षर करके फिक्स करी हैं जिसके तहत आज तक दिल्ली में पानी की सप्लाई आती रही। इस बार हम जो चीजें देख रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है और वो दिल्ली की ओर नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में यमुना नदी के माध्यम से जो पानी आता है उसका स्तर घट गया है। आज वो नदी सूख गई, हरियाणा पानी नहीं छोड़ रहा। हरियाणा ने सारा पानी, दिल्ली के हक का पानी अपनी तरफ रख लिया है, रोक लिया है, दिल्ली वालों को नहीं दिया जा रहा है। आज दिल्ली जल बोर्ड ने इस परेशानी के चलते एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और महत्वपूर्ण फैसला ये लिया है कि दिल्ली जल बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि दिल्ली और हरियाणा के पानी के विवाद पर अब नांगल चौधरी के विधायक राव अभय सिंह सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली लगातार पानी की मांग बढ़ा रही है। दिल्ली की पानी की मांग बढ़ने से दक्षिणी हरियाणा के हिस्से के पानी पर फर्क पड़ता है। देखिए, हरियाणा दिल्ली को पहले ही हिस्से से ज़्यादा पानी दे रहा है। दिल्ली का कुल शेयर 739 क्यूसिक पानी बनता है, लेकिन 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला किया जिसमें दिल्ली को एडिशनल वाटर देने के लिए कहा। 330 क्यूसिक पानी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिए जा रहे हैं, तो अब दिल्ली को हम 1049 क्यूसिक पानी दे रहे हैं। दिल्ली गवर्नमेंट को जब भी पानी की कोई बात होती है हमेशा हरियाणा पर टालने की कोशिश करती है और उसका सीधा प्रभाव हमारे दक्षिणी हरियाणा पर पड़ता है। दक्षिणी हरियाणा में पानी की आज ये स्थिति है कि पीने का पानी नहीं है और दिल्ली गवर्नमेंट किसी न किसी बहाने हमेशा हरियाणा सरकार पर प्रेशर बना के रखती है। और दिल्ली सरकार ने दो बार सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर ली।
बातचीत करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता प्रवीण अत्रे इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं और कुलदीप कुमार हैं आम आदमी पार्टी से विधायक। सबसे पहले कुलदीप जी का रुख मैं करूंगी। कुलदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या पूरा मसला है, क्योंकि लोग समझना चाहते हैं कि वाकई जल संकट है या फिर जल को लेकर ये विवाद की स्थिति है। देखिए ये आपसे हरियाणा सरकार कर रही है, मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय नहीं है और ये सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन है। जिस प्रकार से दिल्ली को की जो क्षमता के हिसाब से इनको पानी देना था वो पानी नहीं दे रहे हैं। पहले 674 फीट के आसपास का पानी हमारा रहता था, गंगा का जो पानी हमारे पास आता जिस पर रहता है, और आज की डेट में 667 फीट के आसपास आ रहा है। तो जिस प्रकार से ये पूरा अपना दिल्ली के लोगों को परेशान करने की नीयत से पूरी भाजपा हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहती है, आज पूरी दिल्ली के अंदर जनसत्ता खड़ा हो चुका है और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट का वायलेशन भी है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नियम आधारित किए थे, सुप्रीम कोर्ट ने जितना पानी दिल्ली को देने के लिए कहा था, आज हरियाणा सरकार उन नियमों का उल्लंघन कर रही है। कुलदीप जी, ये स्थिति कब से है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए थे कि जो दिल्ली के हिस्से का पानी वो निर्धारित भी कर लिया गया था, मुझे लगता है 1995-96 की ये बात है जब पानी जो है निर्धारित किया गया था दिल्ली के लिए, तो ये कितने समय से समस्या चल रही है जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी रोक रही है? देखिए ये बीच बीच में कभी भी जब इनको लगता है, ये लोग जैसे ही कुछ लगता है वैसे ही दिल्ली का पानी कम कर देते हैं। 120 एमजीडी के आसपास इनको प्रतिदिन देना था जो ये आज नहीं दे रहे हैं, जिससे हमारा पूरा चाहे सुप्रीम कोर्ट का एरिया हो, हाई कोर्ट हो, प्रधानमंत्री भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा एनडीएमसी का पूरा एरिया जहाँ हरियाणा का पानी हम सप्लाई करते हैं, पूरी जगह पे ये जल संकट खड़ा हो चुका है। तो क्या इसको लेकर आपने पहले सुप्रीम कोर्ट में कभी इसको लेकर शिकायत की या ये मुद्दा उठाया गया? कुलदीप जी लगातार रहते पिछली बार भी हम लोग गए थे, तभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पूरा पानी दिया जाए। उसके बाद मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये नौबत आती क्यों है, मतलब आखिरकार हरियाणा को दिल्ली का पानी, दिल्ली सरकार को परेशान करने के लिए, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए हरियाणा सरकार के माध्यम से जो ये पूरा खेल लगा जाता है, लेकिन कुलदीप जी ये तो कह रहे हैं, हरियाणा सरकार तो कह रही है कि आप लोग अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी स्थिति जबकि है नहीं, अब सच क्या है? ये तो आपने कल नागा चड्डा जी ने फोटो ट्वीट की थी, उन्होंने दिखाया था कि दिल्ली जो यमुना नदी है उसका जलस्तर पहले कहाँ पे था, जो पानी मिल रहा था रात कहाँ पर है, वो तो दिखा रहा है स्पष्ट तौर पे। आप ये बता दें क्या ये दिल्ली को जो दिल्ली के हक का पूरा पानी जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? जो 1995 की जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली को पानी मिलना चाहिए, वो पानी क्या दे पा रहे हैं? ठीक है, प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से। कुलदीप जी, प्रवीण जी का रुख करती हूँ, उनसे जवाब ले लेती हूँ। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों पर आरोप ये लग रहे हैं कि यमुना में जो जलस्तर 674.5 फीट होना चाहिए वो घटकर 667 फीट रह गया, इसके अलावा निचले स्तर पर है, सबसे निचले स्तर पर है अब तक का, और हरियाणा से दिल्ली के हिस्से का 120 एमजीडी पानी नहीं दिया जा रहा, ये आरोप आप पर लगाए जा रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? प्रवीण जी को फिर से एक बार कॉल लगाया जाए, उनसे इस बात का जवाब लेंगे। तब तक मैं फिर से एक बार रुक कर लेती हूं कुलदीप जी का। कुलदीप जी बताएं किस तरीके की समस्याओं को का सामना करना पड़ रहा है, और क्योंकि सच और झूठ क्या है, आप लोगों की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं, हरियाणा सरकार आप लोगों पर आरोप लगा रही है, बयानबाजी चल रही है, लेकिन सच्चाई जो लोगों के सामने आनी चाहिए वो समझ में आना चाहिए कि आखिर समस्या है कहां पर। चलिए फिर से जुड़ेंगे। फिलहाल देखिए ये बहुत पेचीदा मसला हो गया है, क्योंकि लगातार दिल्ली और हरियाणा पानी के विवाद पर कई बयान सामने आ रहे हैं। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी प्रवीण जी, आरोप लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, हरियाणा सरकार पर, कि आप लोग दिल्ली के हिस्से का पानी रोक रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश थे उनकी अवहेलना आप लोग कर रहे हैं। देखिए ऐसा है पूजा, लगातार केजरीवाल साहब की सरकार झूठी राजनीति, और हालांकि उसकी बात पहले काफी अच्छे देख रहे, ये जो पहला 2017 आप देखेंगे केजरीवाल साहब इस तरह की भाषा, 2018 की भाषा बोली, ये आज तक झूठे लोग हैं, इतनी बार झूठों की सरकार है। सच्चाई ये है हरियाणा सरकार आज भी 1,049 क्यूसिक पानी दिल्ली को दे रही है,
पिछले 7 साल में जब से मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं, एक भी वर्ष ऐसा नहीं है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जब हरियाणा सरकार ने दिल्ली के पानी में कोई कटौती की। लेकिन ये लोग अपनी पानी की व्यवस्था को तो ठीक नहीं, खुद दिल्ली की जो इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट अगर आप देखेंगे 2017-18 में, वो खुद ये मान रही है कि 20% पानी वेस्ट हो जाता है। हरियाणा सरकार सीएलसी जीएसबी यमुना कैनाल इसके जरिए लगातार पानी की अभाव पूर्ति दिल्ली को कर रही है। हालांकि मॉनसून डिले होने की वजह से हरियाणा स्वयं पानी की कमी से जूझ रहा है। यमुना में जलस्तर लगभग 40% कम हो गया क्योंकि मॉनसून डिले है, लेकिन उसके बावजूद हरियाणा सरकार ने दिल्ली के पानी में कमी नहीं की। अभी मैं सुन रहा था, एक साहब बात कर रहे थे कि साहब जो 1996 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उससे पहले दिल्ली का जो पानी था वो 739 क्यूसिक था, लेकिन उसी निर्णय के बाद ही 1049 क्यूसिक पानी जो है दिल्ली को दिया जा रहा है। ये लोग पहले अपनी पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करें। दूसरा, इस झूठ की राजनीति को सुन, हर साल ये आजकल झूठे लोग हैं, हर साल की कहानी है। लेकिन प्रवीण जी, अभी कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे मैं बात कर रही थी, उन्होंने अभी अभी एक बात का जिक्र किया कि उनकी तरफ से लगातार सुप्रीम कोर्ट में मसला उठाया जाता रहा है। उन्होंने पहले भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप लोगों को कहा गया था कि आप लोग दिल्ली के हिस्से का पूरा पानी दीजिए, लेकिन आप लोग लगभग 100 MCD पानी दिल्ली के हिस्से का आप लोग रोक रहे हैं, ये गंभीर आरोप है। मैं सुन रहा था राघव चंदा ये कह रहे थे कि दिल्ली को इस वक्त 100 MCD पानी की कमी, और इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ये कहती है, दिल्ली की इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, कि दिल्ली में हर साल 20% पानी जो है वो बर्बाद हो जाता, 1049 क्यूसिक पानी हरियाणा दिल्ली को दे रहा, उसका 20% लगभग 200 क्यूसिक बनता, और ये खुद अपनी 100 क्यूसिक की कमी की बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इनको अपनी व्यवस्था दुरुस्त करने की जरूरत है, दूसरे पे आरोप लगाने की जरूरत नहीं है, अपनी पानी की व्यवस्था को ठीक करें। हरियाणा सरकार लगातार दिल्ली को पानी सप्लाई कर रही है, मानसून की कमी की वजह से हरियाणा खुद पानी की कमी से जूझ रहा है, तब भी दिल्ली की सप्लाई में कटौती नहीं की, ये लोग झूठ बोलते हैं। कुलदीप जी, आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। कुलदीप जी, आप लोगों का कुप्रबंधन है, मॉनसून में देरी की वजह से लोग जो हैं पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं प्रवीण जी, लेकिन ये सियासत के फेर में दिल्ली वालों की समस्या का क्या? देखिए, आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली की जनता को परेशान करने का जो चरण इन्होंने बना रखा है दिल्ली के लोगों को करने के लिए, अभी ये कहते हैं पानी कमी नहीं है, मैं इनको बताया था डेटा अभी, पानी चंद्रावल का हमारा जो जल संयंत्र है उसकी क्षमता जो है 90 MCD है और वो घटकर 55 MCD रह गई है। वजीराबाद का प्लांट जो है उसकी 135 MCD है जो घटकर 80 MCD रह गई है। ओखला प्लांट का 20 MCD है जो घटकर 12 MCD रह गई है। तो ये सारा तो डेटा आपके पास है, ये आपको पता ही, ये सीधा आपके आपके पास हरियाणा सरकार से पानी आ रहा है और आज इनकी क्षमता घट के कम हो गई है क्योंकि आप पानी नहीं दे रहे। लेकिन आप क्या दिल्ली के लोगों को परेशान ना करके, हम फिर दोबारा विनती करते हैं हरियाणा सरकार के दिल्ली के हक का पानी को दे। दिल्ली को जितनी मांग रही है सुप्रीम कोर्ट में निर्धारित किया गया है, दिल्ली के लोगों का हक है ये पानी। दिल्ली के लोगों को उत्तर प्रदेश से गंगा के माध्यम से पानी मिल रहा है और पंजाब से पानी मिल रहा है, हरियाणा से पानी मिल रहा है। अगर ऐसे हर सरकार रोक के बैठ जाएगी तो फिर तो ठीक नहीं होगा। अच्छा कुलदीप जी, मुझे एक बात बताएं कि दिल्ली के लोगों को रोजाना कितने MCD पानी की आवश्यकता रहती है, कितनी जरूरत कुल? देखिए, हमारा अभी जो आंकड़ा था वो 667 फीट के आसपास जो अभी तक आ रहा था पानी, वो टोटल था, टोटल कैलकुलेशन मेरे पास नहीं है अभी कितना पानी हमें की जरूरत पड़ रही है, हमें वो जब बोर्ड के पास एग्जैक्ट आंकड़े होंगे वो मैं देख के आपको बता दूंगा। लेकिन अभी तक अभी हमें जो पानी मिलना चाहिए वो पानी की जो हमें हरियाणा सप्लाई टोटल आती है वो पानी हमें टोटल नहीं मिल पा। देखिए कुलदीप जी, जो सर्वे बताता है उसके मुताबिक दिल्ली की पानी की रोजाना की जो कुल खपत है वो 900 MCD की है। अगर इसमें से 100 MCD पानी नहीं आता जो आप लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है तो लगभग 10% पानी कम हो जाता है, यानी कि 2 करोड़ की आबादी के हिसाब से 20 लाख लोग पानी की समस्या का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहां पर हम इस फेर में उलझे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है या भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, लेकिन दिल्ली वालों की समस्या का क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, दिल्ली के पास अपनी को वाटर बॉडी तो है नहीं, दिल्ली तो अपनी वाटर बॉडी जनरेट कर रही है, लेक को डेवलप कर रही है, लेकिन जो पानी आपको पड़ोसी राज्यों से मिल रहा है उसका प्रबंधन करना तो आपकी जिम्मेदारी है ना। जो पानी की लीकेज है वो भी ठीक कर रही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली निर्भर है हरियाणा के ऊपर, दिल्ली निर्भर है पंजाब के ऊपर, दिल्ली निर्भर है उत्तर प्रदेश के ऊपर, और जब यहाँ से पानी आता है
सब दिल्ली के लोगों को मिलता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑलरेडी निर्धारित किया गया है कि कौन राज्य दिल्ली को कितना पानी देगा। कुलदीप जी, मैं यही सवाल आपसे पूछ रही हूँ। कुलदीप जी देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सुनिए कुलदीप जी, मैं प्रवीण जी से पूछूंगी ये जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन आपसे सवाल ये है कि आप लोग पानी के लिए पड़ोसी राज्यों पर निर्भर हैं और वो पानी अगर आप तक पहुंच रहा है उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी तो दिल्ली सरकार की है ना। आप पर आरोप लग रहे हैं कि वेस्टेज होती है पानी की, कुप्रबंधन के आरोप, आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ये आरोप लगाते तब सही लगे, पानी ना रोके, अगर ये पानी नहीं रोके तो मैं आपको दावा कर रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर पानी की कोई भी किल्लत नहीं होगी। अगर ये लोग पानी का सही से हमें जो जितना निर्धारित किया गया है सुप्रीम कोर्ट से, अगर उतना पानी हमें देते रहे तो दिल्ली में पानी का क्राइसिस नहीं होता है वहाँ बड़े लेवल पे। छोटी मोटी कहीं दिक्कतें होती है, जल बोर्ड को ठीक कर लेता है, कई समस्या छोटी मोटी आती है, जल बोर्ड को ठीक कर लेता है, लेकिन जब एक पूरा एरिया, पूरा इलाका इफेक्ट होता है, जब 20 लाख लोग इफेक्ट तब होते हैं, जब हरियाणा पानी रोक लेता है, और ये इनका हर बार का काम है, जब मर्जी रोक लेते हैं, तो उसके लिए जल बोर्ड को आप सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, जल बोर्ड सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। ठीक है, प्रवीण जी आप आवाज सुन पा रहे हैं हमारी? जी प्रवीण जी, एक बात बताएं कि दिल्ली की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, ये जाहिर सी बात है, लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है, क्या दिल्ली के लोगों से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, यानी कि हरियाणा को कोई मतलब नहीं क्या, या पूरे देश को कोई मतलब नहीं क्या? क्योंकि दिल्ली के लोग अगर परेशानी का सामना कर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी क्या केवल दिल्ली सरकार की है? देखिए ऐसा है, दिल्ली देश की राजधानी है, स्वाभाविक है, देश की राजधानी होने के नाते पूरे देश को दिल्ली से मतलब है और पूरा देश जो है वो दिल्ली के साथ। लेकिन हो क्या रहा है पूजा, हमें ये समझना है। 2018 में ये केजरीवाल साहब एनजीटी के पास गए थे, एनजीटी ने ये कहा कि आप अपने पानी के जो जल संयंत्र हैं उनको अपग्रेड कीजिए, इन्होंने आज तक अपग्रेड नहीं किए। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि साहब आप हमें पानी देते रहिए, जो कोटा दिल्ली का आवंटित है उस वो पानी हरियाणा सरकार दे रही है, आपके जल संयंत्र अपग्रेड नहीं है, पानी का आपका प्रबंधन ठीक ना होने की वजह से आप ही के सर्वे उसको 20% की वेस्टेज बताता है। ये तो वही स्थिति हो गई जो दिल्ली ने ऑक्सीजन के मामले में केजरीवाल साहब ने किया था, वो जो सुप्रीम कोर्ट का पैनल है उसकी रिपोर्ट आप दे दीजिए। इसका मतलब स्पष्ट नजर आता है कि केजरीवाल साहब केवल झूठ की राजनीति करना चाहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करना चाहते। ऑक्सीजन के विषय में भी पूरे देश के सामने किस तरह से केजरीवाल साहब ने झूठ का राग ला पाता वो आप जनता के सामने आ चुका है, वही झूठ का मामले। चलिए ठीक है, आप दोनों का